दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारा देश भारत एक विकासशील देश है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरह से भारत ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत का अंदाजा कराया है, उसमें वो दिन दूर नहीं लगता जब हमारा भारत भी सुपर पावर होगा। आज की वीडियो मैं आपको कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा कि आज से लगभग 27-28 साल बाद मतलब कि सन 2050 तक हमारा प्यारा देश भारत कितना बदल चुका होगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन, गाय जैसा माना जा रहा है कि 2050 तक देश में लगभग सभी सरकारी नौकरियां समाप्त हो जाएंगी और सभी लोग प्राइवेट जॉब्स करेंगे, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और स्टेडियम्स को प्राइवेटाइज करने का ऐलान किया है। प्राइवेट कंपनीज के अंडर में आने के बाद इंडियन एयरपोर्ट्स और रेलवेज का लुक बिल्कुल बदल जाएगा। सुविधाएं पहले से बहुत बेहतर हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए शायद आपको बहुत ज्यादा कीमत भी चुकानी पड़ेगी। नंबर टू, 2050 तक कागज के नोटों का चलन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, इसकी जगह सिर्फ डिजिटल करेंसी यूज की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए हमें 2050 का इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल पेमेंट का चलन जिस प्रकार से भारत में बढ़ा है, उससे जल्द ही मार्केट में कागज के नोट गायब हो जाएंगे। भारत की ज्यादातर यूथ इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉपिंग, सैलरी से लेकर सभी छोटे बड़े पेमेंट्स के लिए डिजिटल मोड का ही यूज कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि आज से लगभग 25-30 साल बाद डिजिटल करेंसी जैसे बिटकॉइन, डॉगकॉइन जैसी बहुत सी करेंसी इंडियन मार्केट में फैल चुकी होंगी। लोग इसका भरपूर यूज करेंगे, क्योंकि इससे पेमेंट करना आसान, सेफ और सिक्योर होता है। नंबर थ्री, 2050 तक भारत बहुत सी मेट्रोपॉलिटन सिटीज का घर बन चुका होगा। बुर्ज खलीफा जैसे जिन ऊंची ऊंची इमारतों को देखने के लिए हम विदेशों में जाकर पैसा खर्च करते, वैसे पता नहीं कितनी बिल्डिंग्स भारतीय शहरों में मौजूद होगी। 2050 तक भारत चीन को पीछे करके दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। दुनिया की लगभग 75% आबादी शहरों की ओर शिफ्ट हो चुकी होगी। कम जमीन, ज्यादा आबादी कारण भारतीय शहरों में छोटे छोटे अपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जिनमें फर्नीचर फ्लेक्सिबल और फोल्डिंग फैसिलिटी के साथ मिलेंगे, जिन्हें आप कहीं भी फोल्ड करके रख सकेंगे। इन बड़े बड़े शहरों में दुनिया के सभी ऐसे आराम वाली चीजें मौजूद होंगी, क्लब, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, पार्क से लेकर हर वो चीज जो आप चाहते होंगे। नंबर फोर, ट्रांसपोर्ट के मामले में हम अभी भी दुनिया के कई देशों से बहुत पीछे हैं, लेकिन जब ही जिस प्रकार से देश भर में तेजी से रोड्स, हाईवे, ब्रिजेस, टनल्स वगैरह बन रहे हैं, उससे ये कहा जा सकता है 2050 तक भारत भी कई विकसित देशों की बराबरी कर लेगा। तब तक भारत में बहुत सारी बुलेट ट्रेन आ चुकी होंगी। इसके अलावा देश में हाइपर लूप टेक्नोलॉजी एंटर कर चुकी होगी। जी हाँ, वही टेक्नोलॉजी जिसे कि इलोन मस्क ने दुनिया के सामने रखा था। हाइपर लूप बनाने के लिए एक टनल बिल्ड की जाती है, जिसमें कि हवा का प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे ट्रेन की स्पीड नॉर्मल स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज होती है। इससे लंबी दूरी भी बहुत कम समय में तय हो जाएगी। सड़क पर चलने वाले वाहन पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे, जिससे प्रदूषण भी कम होगा और वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। नंबर फाइव, दोस्तों देश अब 4G से 5G की ओर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन 2050 तक देश में 8G आ चुका होगा, जिससे इंटरनेट की स्पीड 5G से भी कई गुना ज्यादा तेज होगी। देश की लगभग 100% आबादी सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी। लोग रियल से ज्यादा वर्चुअल लाइफ जीना पसंद करेंगे। इसके साथ ही डाटा पैक्स भी काफी महंगे हो जाएंगे। इंसानों वाले बहुत से काम रोबोट करेंगे। गाड़ियां, बसें, ट्रेन सब ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ऑफिस से ज्यादा लोग घर बैठकर कहीं काम करना पसंद करेंगे। नंबर सिक्स, दुनिया के कई देश अंतरिक्ष का रहस्य जानने और दूसरे प्लेनेट्स पर जिंदगी ढूंढने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो भी आने वाले समय में कई बड़े मिशन को अंजाम देने वाले हैं। गगनयान, शुक्रयान, सनश्री जैसे कई ऐसे मिशन है जो इसरो भेजने की तैयारी में है। आज जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज स्पेस प्रोजेक्ट्स पर वर्क कर रही है, उससे ये तो उम्मीद लगा ही सकते हैं 2050 तक मंगल या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ संभव भी हो। इसरो का गगनयान मिशन स्पेस टूरिज्म की तरह भारत का पहला स्टेप है। इसके लिए इसरो 3 क्रू मेंबर्स को 7 दिन के लिए स्पेस में भेजेगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो ये इसरो के लिए एक ऐतिहासिक बात होगी। इसके बाद इसरो भी स्पेस टूरिज्म में एंट्री कर जाएगा और टूरिस्ट को अंतरिक्ष की सैर भी कराएगा। नंबर सेवन, 2050 तक नोटबुक्स और किताबें साथ म्यूजियम में रखने के काम आएंगी, क्योंकि भारत के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है और बुक्स और नोटबुक्स की जगह आईपैड जैसे डिवाइसेस ले लेंगी। इनमें स्टूडेंट्स अपना स्कूल वर्क और होमवर्क किया करेंगे। 2050 का भारत वर्ल्ड एजुकेशन का सेंटर होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद स्कूल्स में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा। नॉर्वे और अमेरिका जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट्स को हायर स्कूल के दौरान वोकेशनल ट्रेनिंग और समर वेकेशन में इंटर्नशिप कराई जाएगी। इस तरह से भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। नंबर एट, 2050 का भारत एक महाशक्तिशाली भारत होगा, लेकिन इसके लिए हमें डिफेंस पावर पर भी काम करना पड़ेगा। हमारे इंडियन सोल्जर्स का युद्ध में कोई मुकाबला नहीं कर सकता, पर भविष्य में युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ा जाएगा, जिसकी तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और साइंटिस्ट कंटिन्यू अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं और जल्द ही इंडियन डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। हमारे डिफेंस फोर्स में हाईटेक वीपन्स, एयरक्राफ्ट, मोनोरेल, ड्रोन्स और रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी शामिल रहेगी। फिर जंग में कैजुअल्टी खतरा बहुत कम हो और हम दुनिया के बड़े सुपर पावर देशों को बराबरी का टक्कर दे पाए। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स जो हमारे भविष्य के भारत में दिखाई देंगे। पर दोस्तों, अगर आप फ्यूचर के भारत की इस तस्वीर को सच होते देखना चाहते हैं, तो दिल लगाकर मेहनत कीजिए और जो भी काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी रखिए, करप्शन से दूर रहिए, क्योंकि देश की तरक्की में देश के हर नागरिक का योगदान होता है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।